मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषिन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम आज यहां पर बात करेंगे सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्यदेव का कन्या राशि में प्रभाव देश और दुनिया पर किस तरह से रहेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सूर्यदेव जब कन्या राशि में पहुंचेंगे तो क्या क्या समय रहेगा और किस तरह से सूर्य की अपनी गतिविधियां देखने को मिलेंगी और इसका प्रभाव कहां और कैसे देखने को मिलेगा। 17th of September 2023 ये वो दिन रहेगा जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्यदेव जब सिंह राशि मतलब कि अपने घर से निकलेंगे और कन्या राशि में जब पहुंचेंगे तो इसे कन्या संक्रांति कहा जाएगा। जब भी सूर्यदेव किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस राशि की संक्रांति शुरू हो जाती है और उस राशि की संक्रांति की कैलकुलेशन से कई तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। इस बार सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन बहुत ही ज्यादा अद्भुत या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे दो बड़े कारण यहां पर दिखाई देते हैं। अभी बुध और सूर्य एक साथ सिंह राशि में बैठे हुए हैं और मंगल देव यहां पर कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे कुछ ही दिनों में मंगल अस्त होते हुए नजर आएंगे और सूर्यदेव के पहुंचने के साथ सूर्य और मंगल की एक बहुत स्ट्रांग युति यहां पर बनते हुए नजर आएगी। वहीं पर बुध जो है वो सूर्य के घर में अपना काम करता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट योग बन जाता है और इसी की वजह से सूर्य का ये ट्रांजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। कहते हैं कि जब भी सूर्यदेव इस तरह के राशि परिवर्तन में आ जाए और सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करें उस समय अगर देश में बारिश हो जाए तो ये समय काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है और इस समय में अगर गर्मी बढ़ जाए तो ये समय बहुत ज्यादा कष्टकारी निकलता है। तो इसीलिए प्रार्थना यही करनी चाहिए कि 17th को एटलीस्ट सुबह के समय में मतलब कि सुबह 6 बजे से लेकर के और 1 बजे तक के बीच में अगर बारिश की बूंदें गिर जाए तो डेफिनेटली सूर्य की संक्रांति बहुत ज्यादा अच्छे जाते हुए नजर आएगी। सूर्य की संक्रांति के कई तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव की ये संक्रांति जो है कन्या राशि में प्रवेश जो है ये मनी और प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आ रहा है और इन्हीं दोनों चीजों के आसपास ये घूमता हुआ भी नजर आएगा। एक तरफ पैसे को लेकर के कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि महंगाई के बढ़ने की चांसेस और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली ये वो समय रहता है जहां पर महंगाई अपने चरम पर जाती है, चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और इसकी वजह से ही शेयर मार्केट में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सो महंगाई का तो प्रभाव काफी काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगा। महंगाई की वजह से सत्ता और विपक्ष के बीच में काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि उठापटक होती है और विपक्ष बहुत ज्यादा कोशिश करता है सत्ता पक्ष को परेशान करने के लिए और सत्ता पक्ष अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है और हर परिस्थिति का बहुत ज्यादा संघर्ष के साथ सामना करता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से सत्ता पक्ष को हिलाना यहां पर मुश्किल हो जाता है। बट ये कठिन समय होता है कि जो भी सरकार है यहां पर उनके लिए ये महीना काफी ज्यादा टफ रहेगा। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो ये जो समय रहता है ये कहीं ना कहीं चीजों में फूट डालने का काम करता है। मतलब कि कुछ लोग इस तरह की गतिविधियों को करते हुए नजर आएंगे कि वो दूसरों को परेशान करने का काम करेंगे और ग्रुप को ब्रेक करने की कोशिश करते हुए यहां पर नजर आएंगे। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। ऐसे में ये समय उन सभी जगहों पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर आने वाले समय में इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले इस तरह का समय आ जाना सूर्यदेव की इस तरह की चाल काफी इस तरह की योग यहां पर दिखाती है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समय यहां पर होने वाला है। राजनीति के लोगों के लिए, राजनीति में काम करने वालों के लिए तो ये एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पर बन जाती है, क्योंकि ये समय कहीं ना कहीं लोग अपने आप को बताने की भी कोशिश करेंगे और दूसरों को नीचा गिराने की भी कोशिश करेंगे। ऐसे में कोई गलती ना हो जाए इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। ये समय वाणी पर नियंत्रण रखने का, सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने का समय होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये कट टू कट लड़ाई होती है सत्ता और विपक्ष के बीच में और यहां पर हल्की सी भी गलती बहुत बड़ी चोट दे सकती है। इस तरह की योग दिखाई देते हैं। ऐसे समय में
सरकार को कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, सरकार कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजंस ले सकती है, इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। और ये जो डिसीजंस रहेंगे ये कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होंगे, लंबे समय तक चलने वाले डिसीजंस होंगे और इन डिसीजंस पर आसानी से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। साथ ही साथ समर्थन काफी अच्छा मिल जाता है ऐसे समय में, और ऐसे समय में अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करे, खासकर मैं भारत की बात कर रहा हूं कि भारत का अगर पड़ोसी राज्यों से किसी भी तरह की कोई तनातनी होती है तो भारत अपना एक अग्रेसिव रुख अपनाता हुआ नजर आएगा और मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आएगा, इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ भारत की सरकार को कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस ऐसे समय में लेने पड़ सकते हैं, इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ ये समय उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहता है और साथ ही साथ नॉर्थ डायरेक्शन में फीमेल्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा परेशान करने वाला रहता है, इसीलिए भारत के नॉर्थ में भी महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कोई ना कोई हादसे यहां पर हो सकते हैं जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी हो, इस तरह के योग भी यहां पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ ये समय मीडिया के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय होता है, मीडिया का रोल यहां पर इस तरह के समय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहीं पर मीडिया में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव देखने को मिल सकते हैं या कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिल सकते हैं, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग हड़ताल पर चले जाए, स्ट्राइक कर लें किसी चीज को लेकर के, तो ये भी यहां पर दिखाई देता है। ये समय क्योंकि जब सूर्य और मंगल साथ में हैं और मंगल अस्त होते हुए नजर आएंगे, ऐसे समय में मेडिकल रिसर्च में भी थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। कोई वायरल फीवर अगर होता है, डेंगू जैसे अभी चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैलता हुआ नजर आएगा। 15th of October के पहले पहले इस तरह की योग काफी ज्यादा दिखाई देते हैं, जहां पर इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ ये वो समय रहता है जहां पर विस्फोटक घटनाएं या बड़ी आग का लग जाना, इस तरह की भी घटनाओं को देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ ये समय में आप सभी को भी अपने अग्रेशन पे कंट्रोल रखना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर अग्रेसिव नहीं होना चाहिए और लीगल मैटर्स से अपने आप को बचाना चाहिए। जितना आप लीगल मैटर्स से अपने आप को बचा के चलेंगे, अपने आप को सेफ रख के चलेंगे, उतना ही समय आप सभी के लिए भी अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये संक्रांति रविवार के दिन पड़ रही है और इस वजह से ये समय और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब जब रविवार के दिन संक्रांति पड़ती है तो श्रमिकों के लिए इंपॉर्टेंट समय होता है। ये अच्छा भी हो सकता है और ये खराब भी हो सकता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर इस समय में शुरुआत में पहले ही दिन अगर बारिश की बूंदें गिर जाए तो डेफिनेटली श्रमिकों के लिए समय काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, बट यहीं पर अगर गर्मी बढ़ जाए, उमस बढ़ जाए, तो श्रमिकों के लिए यह समय और ज्यादा कष्ट देने वाला समय बन जाता है। और इस वजह से 17th of September से लेकर के 16th of October तक के बीच का समय सूर्यदेव की कन्या संक्रांति के साथ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। भारत के बाहर भी अगर देखा जाए तो भारत के बाहर दूसरे देशों में भी टॉप लीडर्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजंस यहाँ पर लेने पड़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा उत्तर दिशा के लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय रहेगा, तो वहां पर जो भी कंट्रीज आती हैं उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। यहीं पर सऊदी अरब की तरफ से देखा जाए यहां पर तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी यहां पर फ्लैश होते हुए दिखाई देगी, जो कि काफी ज्यादा अचंभित करने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली न्यूज रह सकती है, इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूं कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन देश में और दुनिया में खुशहाली लेकर के आए और सभी के जीवन में अच्छा समय देखने को मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।